सब्सक्राइब करें ज्ञानी इनफ चैनल को और प्रेस करें बेल आइकन देखने के लिए ऑटो एंड टेक वीडियो सबसे पहले और सबसे तेज। हेलो दोस्तों, ये मेरा चैनल ज्ञानी इनफ लेकर आया हूँ आपके लिए TVS एंटोर 125। ये आप देख रहे हैं उसका एक्चुअल लुक, वाइट और पूरे ब्लैक डिज़ाइन पे दिया गया है। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत उम्दा लग रहा है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने के पहले बोलूँगा कि आपको इसके और जो कलर्स हैं उसका भी आपको मेरे चैनल पे रिव्यू मिल जाएगा, तो वो भी आप देख सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक भी मिल जाएगा, तो वो भी चेकआउट ज़रूर करिएगा। बाकी इसमें भी आप अगर ये पहली बार स्कूटर देख रहे हैं, मेरे चैनल पे पहली बार देख रहे हैं इसका वीडियो, तो आपको इसमें साइड्स में, शॉर्ट्स में भी इसके बारे में सारी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, तो वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों, पहले फ्रंट का भी इसका मैं आपको एक लुक, पूरा कंप्लीट लुक दे देता हूँ, तो आपको अच्छे से पूरे इसके डिज़ाइन का आइडिया लग जाएगा। दोस्तों, काफ़ी फ्यूचरिस्टिक स्कूटर लॉन्च करी गई है ये TVS की तरफ से। पहले जो इसके हेडलैम्प है वो देख लेते हैं। तो आपको ये नॉर्मल हेडलैम्प इसमें मिलते हैं, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, कन्वेंशनल हेडलैम्प जिनको हम लोग बोलते हैं। थोड़ी सी इसके डिज़ाइन की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो पूरा ब्लैक ग्लॉसी फिनिश दिया गया है वाइट के साथ, बहुत बढ़िया लगता है। एंटोर की पूरी यहाँ पे आपको ब्रांडिंग मिल जाती है। ये आपके जो इंडिकेटर सेटअप है वो आप यहाँ पे देख रहे हैं, और जो आपकी फेयरिंग है आगे पूरी ये ब्लैक पे ग्लॉसी फिनिश पे दी गई है। स्मार्ट कनेक्ट टेक्नोलॉजी है जो TVS की तरफ से, वो आपको इसमें अवेलेबल है। व्हील्स की दोस्तों बात करते हैं तो वो आप यहाँ पे देख सकते हो, तो डिस्क ब्रेक आपको इसमें दिए जाते हैं, तो आपकी सिक्योरिटी का बहुत अच्छे से ध्यान रखा है। अगर स्पेशली बात करते हैं नीचे के पोर्शन की, तो यहाँ पे जो आपको सिल्वर फिनिश मिलती है वाइट के साथ, इसको और भी एक ब्यूटिफाइड लुक देती है। बहुत अच्छी लगती है स्कूटर ये, स्पेशली इस नए कलर में। अगर आपने अभी तक ये कलर नहीं देखा तो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल वीडियो रहने वाला है दोस्तों, तो वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा। एक मैं साइड से आपको लुक दे देता हूँ, तो साइड से भी आपको इसके पूरे डिज़ाइन का, कलर का, ग्राफिक्स का आइडिया लग जाएगा। पीछे की अगर दोस्तों डिटेलिंग की बात करते हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हो जो पूरा ये कार्बन फाइबर फिनिश दिया गया है पीछे प्लास्टिक्स के ऊपर, बहुत अच्छा लगता है। इसके अलावा दोस्तों, अब चलते हैं स्कूटर के पीछे, और पीछे से भी मैं इसका आपको एक लुक दे देता हूँ, तो आपको पीछे से इसके पूरे डिज़ाइन का आइडिया लगेगा। यहाँ पे आप देखते हैं जो आपका टेल लैम्प है आपको LED पे दिया गया है, तो सारी जितनी भी फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजीज़ हैं, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ हैं, वो सारी आपको इसमें अवेलेबल हैं। दूसरी साइड की बात करते हैं अगर, तो दूसरी साइड से भी आप इसका एक लुक ले लीजिए, तो आपको अच्छे से इधर भी पूरा एक लुक मिल जाएगा स्कूटर का। एंटोर की जो ब्रांडिंग हो गई आपको रेड पे दी गई है, तो वाइट के साथ बहुत बढ़िया मैचिंग मिलती है। नीचे आप देखते हैं तो जो आपका एग्जॉस्ट है आपको ब्लैक और सिल्वर प्लेट के साथ मिलता है, जो इसको एक बहुत ही रिफ्रेशिंग फील देता है। दोस्तों, इधर से मैंने आपको पूरी स्कूटर दिखा दी है सारे साइड से। अब दोस्तों चलते हैं स्कूटर के ऊपर, और ऊपर से भी मैं इसका एक आपको लुक दे देता हूँ, तो आपको अच्छे से पूरे इसके डिज़ाइन का आइडिया लग जाएगा ऊपर से भी। तो यहाँ पे आप देखते हैं जो आपके हैंडल्स हैं आपको बाइफरकेटेड मिलते हैं, पिलियन के लिए जो ग्रैब हैंडल हैं, आपका जो फ्यूल इंटेक है वो आपको बाहर मिलता है, तो आपके कन्वीनियंस का कंपनी ने बहुत अच्छे से ध्यान रखा है। और स्पेशली जो ये फिनिश दी गई है ब्लैक पे, बहुत अच्छी लगती है डस्की फिनिश जो दी गई है, बहुत बढ़िया फील आता है जब इसको टच करते हैं। आगे की तरफ बढ़ते हैं तो आपकी जो सीट्स हैं बहुत वाइड दी गई हैं, कुशनिंग भी दिखा देता हूँ आपको यहाँ पे। बाकी दोस्तों, जो ये स्कूटर चला रहे हैं अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करिएगा। बेसिक मोटिव था आपको इसका कलर दिखाना, जो ये नया कलर लॉन्च हुआ है अभी। नीचे की बात करते हैं तो यहाँ पे आप इसकी पूरी बॉडी देख सकते हैं, फुल आपको डस्की ब्लैक फिनिश पे दी जाती है। मेन मीटर्स की बात करते हैं तो इसको मैं ऑन कर लेता हूँ, तो यहाँ पे आपको ऑल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल मिलता है दोस्तों, और ये आपको जो इसमें स्मार्ट कनेक्ट टेक्नोलॉजी है TVS की तरफ से, वो भी आपको एम्बेडेड मिल जाती है। दोस्तों, इसका आपको अगर डिटेल्ड वीडियो देखना है तो उसका भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ जाके आप इसकी डिटेल्ड फंक्शनिंग देख सकते हो। पूरा ग्लॉसी फिनिश के साथ में, पियानो ब्लैक फिनिश के साथ में आपको पूरा ये डिजिटल डिस्प्ले मिलता है, फर्स्ट इन क्लास है। यहाँ पे आपका ट्रिप मीटर हो, स्पीडोमीटर हो, डिफरेंट मोड्स हो, डिजिटल क्लॉक हो, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे अवेलेबल हैं, जो काफ़ी बढ़िया लगता है, काफ़ी अच्छा लगता है। आपको ये मीटर कैसा लगता है, इसका इंस्ट्रूमेंट कंसोल कैसा लगता है, ज़रूर शेयर करिएगा अपने व्यूज़ इसके बारे में। दोस्तों, फिनिश की बात करते हैं तो यहाँ पे भी पूरा जो कार्बन फाइबर ऐसी फिनिश है वो कैरी करी गई है। अब दोस्तों, जिसके हैंडल्स हैं उसकी बात कर लेते हैं, तो आपको जो हाई बीम लो बीम है और जो आपका पास लाइट है वो आपको ऐसे प्रेस करना है, तो आप यहाँ से पास लाइट ऑपरेट कर सकते हो। इसके अलावा जो आपका इंडिकेशंस हैं, नीचे आपका जो हॉर्न है, यहाँ पे आप देख रहे हैं जो इंजन किल स्विच है, और आपका जो लाइट एडजस्टमेंट है वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। बाकी जो आपका इलेक्ट्रिक स्टार्ट है वो आपको अवेलेबल है यहाँ पे, जो लाइट एडजस्टर है वो आप देख लीजिए यहाँ पे। तो जैसे आप यहाँ पे देखते हो, अभी आपकी जो LED लाइट है यहाँ पे आप देख रहे हो, ये ऑन है अभी, लेकिन यहाँ से इसको आप मैनेज कर सकते हो, तो ये ब्राइट हो गई यहाँ पे, तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे। इसका यूज़ करने के लिए आपको ये स्विच प्रोवाइड कराया गया है, जैसे कि AHO आपको मिलता है अब जो जितनी भी स्कूटर्स नई आती हैं।
तो दोस्तों ये तो मैंने आपसे सब चीज़ें शेयर कर दी, ऊपर से भी मैंने आपको जिसका इंस्ट्रूमेंट कंसोल था और जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स थे स्कूटर के वो मैंने आपको दिखा दिए हैं। आप चलते हैं और जिसकी कंपार्टमेंट है वो खोल के देख लेते हैं कि इसमें आपको कितनी स्पेस मिल जाती है। तो उसके लिए जल्दी से की निकाल लेते हैं और की आपको यहाँ पे इंसर्ट करनी है और जो आपका कंपार्टमेंट है वो ओपन हो गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो काफ़ी डीप आपको पूरा कंपार्टमेंट यहाँ पे मिलता है। यहाँ पे आपको लाइट्स भी अवेलेबल हैं जैसे आप देख रहे हो। यहाँ पे इधर आप देखते हो तो जो आपका चार्जिंग पॉइंट है वो भी आपको दिया जाता है, जो एक अच्छा कन्वीनियंस फीचर है। आप अभी लॉन्ग ट्रैवल पे जा रहे हैं तो काफ़ी हेल्पफुल रहता है। तो ये आपको USB चार्जर प्रोवाइड किया गया है। फ्यूल इनटेक मैंने आपको दिखा दिया है। तो दोस्तों आपको ये स्कूटर कैसी लगी? आपको अगर ये स्कूटर अच्छी लगी हो, इसका न्यू कलर ये वाइट कलर अच्छा लगा हो, तो ज़रूर इस वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इसके बारे में अगर कोई क्वेरी है आपकी तो वो भी मुझसे ज़रूर पूछिएगा, उसको मैं रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। तब तक के लिए दोस्तों देखते रहिए ज्ञानी इनफ, लेकर आता रहूँगा और वीडियोज़ आपके लिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।